इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। एक हमारे पास मीनार है और ये जो मीनार है इसके टॉप पर एक पर्सन बैठा हुआ है और ये एक सड़क है, ये एक राजमार्ग है जो कि इस तरह मीनार की ओर आ रहा है। तो ये जो पर्सन है ये एक कार को देखता है और ये जो कार का अवनमन कोण है यानी ये जो एंगल है ये बनता है 30 डिग्री। इसके बाद 6 सेकंड के बाद वो नोटिस करता है कि कार यहाँ पे आ गई है और अब जो कार एंगल बना रही है अवनमन कोण वो 60 डिग्री बन रहा है। ये तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ से लेके यानी अगर ये ए है और इस समय कार बी पर है और ये इस मीनार का बेस है सी, तो बी से लेके सी तक कार को जाने में टाइम कितना लगेगा, यानी जो बी से सी तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय ये जो है ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लो कि ये टाइम टी है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि माना ये टाइम टी है। तो अभी हमने कैलकुलेट करना है कि बी से सी तक जाने में क्या समय लगा है। ये बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप फिगर देखो और ये मीनार जो है इसकी हाइट एच ले लेते हैं, ये पॉइंट डी ले लो, ये हाइट एच हो गई है, ठीक है, ये मीनार की हाइट है। अच्छा, अब हमेशा आपको मैंने एक चीज़ बताई है अवनमन कोण में, अवनमन कोण ये होता है बिल्कुल, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं है जब तक कि हम इसको यहाँ पर न लिखें। यहाँ पर हमें लिखना होता है, अब जाके हम इस कोण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ये होता है वही ये होता है, इसको हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। इसी प्रकार से ये जो 60 डिग्री है 60 डिग्री, ये अवनमन कोण है, लेकिन ये इस किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और अब हम इस 60 डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एक चीज़ तो दी है कि ए से बी तक जाने में लिया गया समय, ए से बी तक जाने में लिया गया समय, यह है 6 सेकंड्स, ठीक है, एक क्वेश्चन में लिखा है। अच्छा, और बी से सी तक जाने में लिया गया समय ये हमने टी मान लिया है, ठीक है ना, कि 30 सेकंड लग रहे हैं और ये हमने मान लिया है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें दूरी होती है, यानी जब भी आप 10-30 लगाओगे तो उसमें हम ये लेंगे या फिर ये लेंगे, तो ये दूरियां हैं। तो दूरियों में समय का क्या काम, तो हम बेसिकली डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर उसके लिए हमें चाल पता होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे कि माना कार की चाल क्या है, उसको ले लेते हैं x मीटर पर सेकंड, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है ना, ओके। और अब देखो ए से बी की जो दूरी है यानी ए बी वो क्या है, तो ए बी बराबर आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है चाल, मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, चूंकि दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये होता है ना। तो ए से बी तक की जो दूरी है बराबर चाल, चाल क्या है एक्स, और समय क्या है 6 सेकंड, समझ गए ना, ए से बी तक 6 सेकंड लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6x। अच्छा, बी से सी तक की अगर हम बात करें तो उसमें चाल जो है वो तो एक्स ही है, चाल तो एक समान रहती है लेकिन समय अब टी हो गया है, तो ये हो गया है xt। तो ये हमने दोनों डिस्टेंस निकाल दी हैं और अब लगाएंगे हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो यहाँ पर लेंगे पहले त्रिभुज, छोटा त्रिभुज, ठीक है ना, BCD, देखो BCD कौन सा है, BCD ये है, ओके, ये है BCD। तो यहाँ पर हमारे पास है 60 डिग्री, तो टेन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर DC लंब DC बटे आधार BC, ये √3 है और जो DC है उसकी हाइट h है,
यानी मीनार जो है वो हाइट h, और जो BC है वो हम लेंगे XT, यू रिमेंबर ये, ठीक है। और इस तरह से है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, h इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स टी। ये क्वेश्चन नंबर वन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, कोई मुश्किल है नहीं यहाँ पे। इसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, तो यहाँ से इसको हटाते हैं। और हम लेंगे अब दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी में। अब देखो ए सी डी कहाँ पर है, ए सी डी ये है, ओके, ये पूरा ए सी डी है। तो इसमें देखो, इसमें होगा टेन थर्टी बराबर डी सी अपॉन ए सी। जो टेन थर्टी है वो क्या होता है, वन अपॉन रूट थ्री डी सी एच, और जो ए सी है ए से सी तक, देखो ए सी में क्या क्या है, ए सी में अपना ए बी है जो कि सिक्स एक्स है, और ए सी में देखो जो ए सी है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें ए बी भी है और इसमें बी सी भी है, हमारे पास ए बी है और हमारे पास बी सी भी है, समझ गया ना, ओके। तो हम लिखेंगे सिक्स एक्स प्लस एक्स टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस एक्स टी बराबर रूट थ्री एच। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब इसके आगे फाइनल स्टेप देखो, यहाँ पर समीकरण नंबर एक जो हमारी ये है इसे देखो और समीकरण नंबर दो को देखो, तो h का मान हम यहाँ आराम से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर दो बना देते हैं, समीकरण एक और दो से। अब यहाँ पे देखो 6x एक्स प्लस एक्स टी है, वहाँ पे x कॉमन लिया जा सकता है बड़ी इजीली, तो 6 प्लस टी बच जाएगा अंदर, राइट हैंड साइड में रूट थ्री है, और जो h है वो हम यहाँ से पुट कर देंगे रूट थ्री एक्स टी। तो ये हो जाएगा देखो x 6 प्लस टी, रूट थ्री इंटू रूट थ्री होता है थ्री एक्स टी। अब ये x से x कटा और ये हो जाएगा 6 प्लस टी बराबर टू टी, थ्री टी आई मीन, तो 6 हो जाएगा, t उस तरफ जाएगा तो थ्री टी में से एक टी गया, टू टी बच गया, और t हो जाएगा 6 अपॉन टू यानी 3 सेकेंड, और ये हमारा आंसर आ गया है, ओके। तो वेल, अगर आपने ये चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट कर ली, ये चीज़ें समझ ली, तो इसके बाद तो सिंपल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम अभी तक इस एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, इस तरह से हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, एंड बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।